वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, देन दिस चैनल इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए. आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के बेस पे इंटीग्रेशन ऑफ कैसे फाइंड आउट करते हैं कुछ फंक्शन की. तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन. मान लो आपके पास लॉग एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है वो होता है 1/x. ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है 1/x. अब इस 1/x का अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के ही विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा, जिसकी ये डिफरेंशिएशन है 1/x, किसकी डिफरेंशिएशन है, log x की. यानी तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, अगला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल. अगर ex की हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex ही होता है. तो ई एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें वो भी क्या आएगा, जिसकी डिफरेंशियल ई एक्स की डिफरेंशियल, तो यहां पर ई एक्स ही आने वाला है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, सिमिलरली थर्ड, ए रेज टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए. लेकिन अगर मैं ए एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो पहले तो ए एक्स ही आएगा जिसकी ये डिफरेंशिएशन था, और फिर जो ये लॉग एक्स है ये नीचे आ जाएगा, इसमें लॉग ए नीचे आ जाता है प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी. ठीक है, सिमिलरली फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज एक्स. ठीक है, तो अगर मैं कॉज एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा, सिंपल साइन एक्स. सिमिलरली अगर आपके पास फिफ्थ, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स इज माइनस का साइन एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का कॉज एक्स प्लस सी. सिक्स्थ, टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंट स्क्वायर एक्स, तो सिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जिसकी डिफरेंशिएशन था टेंजेंट एक्स होगा. ठीक है, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का. ठीक है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स विल बी माइनस का प्लस सी, लिखते रहना है पीछे, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी. ओके, एंड एट्थ फॉर्मूला इज, अगर आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ सिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. ठीक है, तो जो सिकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स है इसके प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी सिकेंट एक्स, जिसकी ये डिफरेंशिएशन थी. सिमिलरली नाइन्थ फॉर्मूला इज, कॉसिकेंट एक्स माइनस का कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक माइनस का कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का कॉसिकेंट एक्स प्लस सी. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जहां पर हम डिफरेंशिएशन के बेस पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फंक्शन की. अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज क्या होता है, 1/√(1 − x²). ठीक है, ये होता है. लेकिन अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं 1/√(1 − x²) dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. क्लियर. सिमिलरली दिस वन इज 10th 11th, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√(1 − x²). तो नेगेटिव ऑफ 1 dx/√(1 − x²) का
जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये लिख सकते हो आप इसको, अदरवाइज माइनस का साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, आपको उधर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। एग्जैक्टली इसी तरह से हम कर सकते हैं cot इनवर्स secant इनवर्स एंड cosecant इनवर्स का डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वापस वही फंक्शन आता है जिसका वो डिफरेंशिएशन था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल आपको बताओ, वन अपॉन एक्स किसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है, लॉग एक्स की। तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, कॉज एक्स होती है साइन की, जन होगा वो साइन एक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली सिकेंड स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, टेंजेंट एक्स का प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मान लो आपके पास है टेंजेंट एक्स सिकेंट एक्स प्लस फाइव सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स बाहर है डी एक्स। मान लो आपने इसका इंटीग्रेशन करना, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो सिंपल, सबसे पहले टेंजेंट एक्स सिकेंड एक्स आपको देखना है किसी की डिफरेंशिएशन तो नहीं है, बिल्कुल सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स किसकी डिफरेंशिएशन होती है, सिकेंड एक्स की। तो यानी इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, सिकेंड एक्स प्लस फाइव एज इट इज, और सिकेंड स्क्वायर एक्स किसी की डिफरेंशिएशन तो नहीं है, बिल्कुल होया जी किसकी, टेंजेंट की। तो मैं सिकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करूंगा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, टेंजेंट एक्स प्लस फोर। इधर है कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स होती है डिफरेंशिएशन किसकी, कॉट की। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, इफ यू हैव कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स, इधर डी एक्स है, इधर इसके साथ फोर लगा है, इधर थ्री लगा है। तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब जो ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फोर एज इट इज लिखना है। अब आपको यहां देखना ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये है कॉसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉसिकेंट एक्स प्लस, ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है, साइन इनवर्स एक्स की। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है, लॉग एक्स की। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस थ्री सिकेंड स्क्वायर एक्स, किसकी डिफरेंशिएशन होती है, टेंजेंट एक्स की। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टेंजेंट एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो मैंने कहा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल इसी तरह से जो इसका डिफरेंशिएशन था वो उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वापस वो फंक्शन होता है जिसका वो डिफरेंशिएशन था, क्लियर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन है या फिर इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन जिसका बेस था डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।